इस टॉपिक के अंदर मूविंग फॉरवर्ड हम आ, बहुत करीब पहुंच चुके हैं अपने आ, प्रोजेक्ट के जो अभी हमने आ, आने वाले टॉपिक्स में कंप्लीट करना है उससे पहले एसोसिएटेड बस चंद कमांड्स हमारी रह चुकी हैं ये जितनी भी हम कमांड्स अब कर रहे हैं ड्रा रह के बाद वाली मेनली उसका जो मेन पर्पस है कि हमारे प्रोजेक्ट की पेस ये वो शॉर्ट कीज हैं कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं या उसे मॉडिफाइंग ऑप्शन हैं कि जो हमारे काम की पेस को बहुत बढ़ा देंगे प्रोजेक्ट में जो काम हम शायद पहले मिनट्स में कर रहे थे वो सेकेंड्स में कर लेंगे जो घंटों में कर रहे थे शायद वो हम मिनट्स में कर लें तो इस टॉपिक के अंदर हम पर्टिकुलरली ये तकरीबन जो चीज़ें हम कवर करने हैं मिरर कमांड के अलावा इरेज कॉपी मूव या यालरेडी हम कहीं ना कहीं पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुके हैं इस टॉपिक में हम बहुत क्विकली इनकी दोबारा एग्जीक्यूशन देखेंगे इनका इस्तेमाल देखेंगे जिस तरह कॉपी है ये तो बहुत दफ़ा हम कॉपी पेस्ट सिंपल कर भी चुके हैं पेस्ट की ऑप्शन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कई दफ़ा कि हमने किसी भी चीज़ को कहीं से कॉपी करना और पेस्ट फिर हमारे पास मूव की कमांड है बाजूक़ात हम कॉपी नहीं हम किसी ऑब्जेक्ट को पूरा मूव करना चाह रहे होते हैं जिस तरह हम प्रोजेक्ट के अंदर एक दरवाज़ा बनाएंगे डोर जब बना लेंगे उस दरवाजे को जब हमने लगाना होगा मुख्तलिफ जगहों पर तो उस वक्त भी का था मूव की कमांड इस्तेमाल करते हैं उस ऑब्जेक्ट को हम मूव करवाते हैं ताकि हम किसी एक प्लेस से जहाँ पे हमने वो दरवाज़ा लगाना है वो लगाएँ इरीज़ की ऑप्शन बहुत सिंपल है इरीज़ हमारा डिलीट का, का काम ही करेगी जिस तरह हम चीज़ों को बाद अतः डिलीट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर हम उनको इरीज़ करेंगे इरीज की कमांड हम ऑलरेडी जिस तरह आप वेल अवेयर होंगे इस वर्ड से भी इसके साथ जो हमारी जो मेन ज़्यादा कमांड जिसका जो हम यहाँ करने जा रहे हैं जिसका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है वो हमारी मिरर कमांड मीर कमांड की एक एग्जांपल ऐसे भी है कि बज दफ़ा हम घर का जब डिज़ाइन या नक्शा बना लेते हैं और हमने नॉर्मली जब हम नक्शा बनाते हैं जब भी आप किसी घर के अंदर दाखिल होते हैं आगे जा हम देखेंगे तो सामने हमारी कार पोर्च नज़र आता है हमें जहाँ पर हमारी गाड़ी खड़ी होती है और उसके साथ ज़्यादातर बाज़ ड्राइंग रूम नज़र आ रहा होता है हमें कि इस तरफ हमारा ड्राइंग रूम है जहाँ पर हमारे मेहमान बैठते हैं और एक तरफ हमारी कार जहाँ पर हम गाड़ी खड़ी करते हैं अब दफ़ा हमें असाइनमेंट मिलती है या क्लाइंट कहता है कि एक और डिज़ाइन भी दें जिसमें बाकी सब कुछ सेम रहे बस हमें कुछ चीजों की डिटेल चेंज हो जाए जिस तरह पोर्च जो है वो मेरा दूसरी साइड पे चला जाए पोर्च यानी मेरा ड्राइंग रूम की जगह आ जाए कार पोर्च और जो ड्राइंग रूम है वो कार पोर्च की जगह आ जाए तो हम मिरर कमांड करेंगे मिरर क्या करती है उसी इमेज को चेंज जिस मिरर जिस तरह हम अपने आप को सामने कभी मिरर में शीशे में देखते हैं तो हमें हमारा अक्स नजर आता है सामने कि हम मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैंने अपने आप को देखा तो मैं अपने आप को वहाँ से ऐसे देखता हूँ कि जैसे मैं अपने आप को इधर से सामने देख रहा हूँ मिरर भी ऐसे ही करेगा कि एक रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ की है फर्ज करें उसी रेक्टेंगल को अगर मैं किसी सामने से देखना चाह रहा हूं तो क्या होगा वो उसी ऑब्जेक्ट को उठाएगा और किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के सामने खड़ा ला के खड़ा कर देगा जैसे हम मिसाल दे रहे थे कि हमने घर बना लिया एक घर में कारपोर्च लेफ्ट साइड पे है और ड्राइंग रूम राइट साइड पे है उसी ऑब्जेक्ट को जब हम मिरर करेंगे और वो लाइन के या किसी पॉइंट के दूसरी तरफ जाएगा तो वो कार पोर्च अगर वो लेफ्ट पे था तो वो राइट right पे आ चुका होगा और अगर हमारा ड्राइंग रूम राइट पे था तो वो लेफ्ट पे आ चुका होगा तो इस कमांड का भी पर्पस जो मेन है वो हमारी टाइम सेविंग है और अक्सर हाउस प्लान के अंदर मैं आपको ये इस्तेमाल करके भी दिखाऊंगा एप्लीकेशन पर्टिकुलरली कि इसका हाउस प्लान में हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं मजीद अब हम कैड की तरफ बढ़ते हैं और वहां पर हम इस कमांड को करके एग्जीक्यूट करके इस्तेमाल करके देखते हैं कि किस तरह हम कैड के अंदर इस्तेमाल करके अपने काम को और आसान करते हैं है ये हमारे पास हमारी प्रीवियस ड्राइंग जिसको हमने कंक्लूड किया है टॉपिक इसको हम यहाँ से अगर फिलहाल या इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रहने देते हैं क्योंकि अभी हम कमांड्स जो हैं वो जो करने जा रहे हैं अब आ, स्टार्ट में हम कॉपी कमांड से करते हैं तो जब हमने कॉपी कमांड इस्तेमाल करनी है उसके लिए हमें किसी ना किसी चीज़ को कॉपी करना पड़ेगा तो हम इन्हीं ऑब्जेक्ट्स को रहने देते हैं जो लास्ट ड्राइंग में हमने कम्प्लीट किए हैं तो मैच प्रॉपर्टी में अब हम एक तो कॉपी जो है वो सिंपल जो हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं कंट्रोल सी कर लिया और कंट्रोल वी हम जहाँ करेंगे कंट्रोल वी करते जाएंगे आप जिस जगह पे चाहें आप इसको प्लेस कर सकते हैं ये तो हमारे पास एक सिंपल शॉर्ट की है जो हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं अब हम कॉपी का ऑप्शन मॉडिफाई से भी देख लेते हैं या सी ओ पी वाई भी आप कर सकते हैं मॉडिफाई में अगर हम आएँ और यहाँ पे हमारे पास कॉपी की इरेज़ के साथ ऑप्शन मौजूद है अगर मैं इस ऑप्शन को पिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस हम देख लेते हैं कि कंट्रोल सी और कंट्रोल वी में क्या और अगर हम ये वाली कॉपी की ऑप्शन पे करते हैं अब जैसे ही एंटर करें ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बाद अब वो ऑप्शन दे रहा है कि आपने अगर इस स्पेसिफिक रेक्टेंगल को कॉपी करना है तो किस पॉइंट से करना है अब हमें पॉइंट भी स्पेसिफाई करना है फ़र्ज़ करें से मैं कहता हूँ कि ये वाला जो कॉर्नर है जो कि मेरा इस टाइम बॉटम राइट कॉर्नर बन रहा है यहाँ से मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ आप नोट करें कि जिस तरफ मैं इसको ड्रैग करना चाह रहा हूँ जिस तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ उस बेस पॉइंट को वो प्लेस करके तो ये जब हमने एग्जैक्ट प्लेसमेंट करनी होगी फ़र्ज करें ये मैं दोबारा इसको स्केप का बटन प्रेस करता हूँ इस कमांड को हम दोबारा लगाते हैं हमने यहाँ पे कॉपी की कमांड इस्तेमाल की आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया और एंटर किया अब वो कह रहे हैं किस पॉइंट से आप इसको पकड़ना चाह रहे हैं ताकि आपका बेस पॉइंट ये रहेगा जैसे ही मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया अब से मैं इसको यहाँ पे प्लेस करना चाह रहा हूँ तो एग्जैक्ट हंड्रेड आप सही एग्जीक्यूशन कर सकते हैं जिस पॉइंट पर आप उसको यहां पे अगर करना चाह रहे हैं तो इस कॉपी विद बेस पॉइंट का जो फायदा ये होगा कि जब हमने एक्यूरेट जाके कॉपी पेस्टिंग करनी होगी हम चाह रहे हैं कि हमारी ड्राइंग क्योंकि एक एडवांटेज भी है हमारे कैड uh, को इस्तेमाल करने का तो ये हम कॉपी विद तो बेस पॉइंट तो ये इस ऑप्शन से हमारे पास ये हमें बेनिफिट जो है वो मिल जाएगा यहां पर हमारे पास सी ओ की ऑप्शन भी मौजूद है कॉपी की भी है और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी वो तो आप करते आ रहे हैं लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज ये होगा कि वो आपको बेस पॉइंट नहीं देता बेस पॉइंट आने से आपकी एक्यूरेसी प्रसियन में इजाफा हो जाएगा इसी इसी के साथ एसोसिएटेड हमारे पास जो कमांड मौजूद है वो इरेज की कमांड है इरेज की कमांड क्वाइट सिंपल वही आपने इरेज की कमांड ऑपरेट की उसने आपको कहा कि आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें जैसे ही आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं आप नोट करें उसका कलर भी चेंज हो चुका है और वो थोड़ा सा फेड हो गया है जिस तरह ट्रांसपेरेंसी के वक्त हमने देखा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है आप एंटर करें तो वो ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन से डिलीट हो जाएगा इसके लिए आप इरेज कमांड इधर से भी लगा सकते हैं ई ई आर एंटर करके भी दे सकते हैं ऑल यू नीड टू डू इज आपने सेलेक्ट करना है ऑब्जेक्ट को एंड देन जस्ट प्रेस एंटर तो वो ऑब्जेक्ट आपका स्क्रीन से जो है वो डिलीट हो जाएगा अब तीसरी हमारे पास और बहुत इंपॉर्टेंट कमांड जो है वो मूव की कमांड है मूव की कमांड हम आगे जाके प्रोजेक्ट के अंदर डेफिनेटली दरवाजे और खिड़कियां लगाते वक्त हम इस कमांड को इस्तेमाल भी करेंगे मूव की कमांड में आपने सिंपली ये अगर मूव को मैं यहाँ पे पिक करता हूँ आप दो ऑप्शन है आपके पास आप मॉडिफाई कमांड में से भी जाके पिक कर सकते हैं या सिंपल एम एंटर अगर आप करें तो भी मूव है मूव में भी सेम आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लें उसके बाद उसे एंटर करें अब वो आपसे पूछेगा कि आप किस पॉइंट से इसको मूव कराना चाह रहे हैं आप बेस पॉइंट स्पेसिफाई करें अब कॉपी जो हमारी है और मूव कमांड में यहाँ जो एक बुनियादी फ़र्क है कॉपी में वो आपका जो सोर्स ऑब्जेक्ट है वो वहीं रहता है और एक नया ऑब्जेक्ट जहां हम पेस्ट करना चाह रहे हैं वो आपका बन जाता है बट मूव कमांड क्या करेगी मूव कमांड में वही ऑब्जेक्ट सेम हम कहीं उठा के ले जाएंगे सोर्स ऑब्जेक्ट हमारा बाद में नहीं रहेगा यानी मैंने एक रेक्टेंगल बनाई उस रेक्टेंगल को अगर मैं मूव कराना चाह रहा हूँ तो वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव हो जाएगी तो वो वहां पर जहाँ वो ओरिजिनल बनी थी वो नजर नहीं आएगी लेकिन कॉपी कमांड में क्या था कि वो वहां पर भी रहेगी और जहां पर मैं उसको लेके जा, जाना चाह रहा हूँ वो उस पॉइंट पे भी चली जाएगी तो ये सिंपल हमारा मूव कमांड जो है वो इसका फर्क नजर आया अब लास्ट जो है हम कमांड ऑपरेट करते हैं फर्ज करें अच्छा एक कमांड इनको आपने एक और चीज जो याद रखनी है आटोकैट में दो तरीके होते हैं किसी भी कमांड को एग्जीक्यूट करने के एक तो यह कि आप पहले कमांड सेलेक्ट करें उसमें के बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें फर्ज करें कोई भी कमांड है यही हमसे कॉपी है आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और फिर एंटर करें और फिर आप कमांड को जो आगे जहां पर रखना चाह रहे हैं दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और इसके बाद जाके कमांड सेलेक्ट करें तो ये दो तरीके हैं जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके कमांड की तरफ जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन नहीं करनी पड़ेगी ऑब्जेक्ट आपका ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा और आपने सिंपल उसको है जो एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं लेकिन अगर आप पहले कमांड को जाके पिक कर रहे हैं फिर आपको लाजमी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपने पहले सिलेक्शन नहीं की तो सिलेक्शन आपकी दोबारा एक नए सिरे से होगी अब हम लास्ट जो हमारा ऑप्शन है दैट इज मिरर मिरर को हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं हाउस प्लान के अंदर हम जो पहला प्लान बनाएंगे उसको हम मिरर भी करेंगे कि किस तरह अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट हमारे जिसका घर हम बना रहे हैं वो कहते हैं कि नहीं आपने चीज़ों को रिवर्स कर दें चेंज कर दें तो कैसे करते हैं फ़र्ज़ करें ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है उसको इसका साइज मैं थोड़ा सा आ, कोई ऑड बना देता हूँ ये से कोई भी मेरे पास ऑब्जेक्ट है अब मेरे पास असाइनमेंट ये है कि आपने इसी ऑब्जेक्ट को यही जो आपका सेम ऑब्जेक्ट है आपने किसी सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर सेम ऑब्जेक्ट दोबारा नजर आए यानी यही जो मेरी जो अभी ऑड शेप की ट्राइंगल टाइप बनी हुई है ये ट्राइंगल एट अ सर्टेन डिस्टेंस यहाँ पे एज इट इज़ नजर आए और वो मिरर भी हो मिरर मीन्स इसका जो ये वाला कोना होगा अब जब हम नोट करेंगे तो वो यहाँ पे मैं नज़र आ रहा होगा अब मैं क्या करता हूँ इसके लिए हम एक लाइन बेस लाइन का होना बहुत ज़रूरी होता है जिसको हम बेस बना के इसको से ये मेरे पास जो है वो आर्थो ऑन कर लेते हैं हम ये मेरे पास एक लाइन है अब मिरर के लिए आपके पास अगेन ऑप्शन मौजूद हैं आप मॉडिफाई में से पिक कर लें या आप एम आई एंटर मिरर सेम पहला ऑप्शन सिलेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया एंटर कर दिया एंटर करने के बाद अब वो मुझसे सवाल कर रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन कि अब आप वो पॉइंट स्पेसिफाई करें जिस लाइन अब ये हमने मिरर की बेस लाइन बनाई है फर्ज करें मैं ये वाला पहला देता हूँ और ये पॉइंट मैं दूसरा देता हूँ जैसे ही मैंने दूसरा पॉइंट एंड किया अब वो एक मैसेज दे रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट क्या वो कह रहा है कि जो आपने ऑब्जेक्ट पहले बनाया था जो जिससे को आप मिरर करना चाह रहे हैं अगर आप वो डिलीट करना चाह रहे हैं या नहीं हम फर्ज़ करें कहते हैं नो तो अब आप नोट करें एग्जैक्टली सेम डायमेंशन वही रेक्टेंगल वही ट्राइंगल टाइप जो मैंने बनाई है जो मैंने थोड़ा सा रेक्टेंगल को चेंज किया था एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस के ऊपर मिरर हो चुकी है तो इस तरह हम फर्ज करें ये हमारे पास एक और ये रेक्टेंगल इसको अगर हम करना चाह रहे हैं कहीं पे भी आप लाइन लगाएं आप ये डिस्टेंस मैयर करके भी लगा सकते हैं बाज दफ़ा ऐसी असाइनमेंट भी आती है अभी हम ऑफसेट आगे कमांड देखेंगे वहाँ पे आपको और क्लैरिटी हो जाएगी मैं इस चीज़ को क्लियर कर लूंगा कि आपने इस लाइन को वो कहते हैं कि इस रक्ट ये जो रेक्टेंगल है इसको आपने इससे इतने डिस्टेंस पे एक लाइन लगाएं ताकि जो और रेक्टेंगल आपके बने वो उतने ही डिस्टेंस पे बने तो ये हम ऑफसेट कमांड को भी इस्तेमाल करते हैं फर्ज फिलहाल हमने एक जस्ट एक लाइन लगा ली है मयर हमने डिस्टेंस नहीं किया सो एम आई हमने मिरर की कमांड लगाई एम आई एंटर किया इसके बाद हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे एंटर करते हैं हम वो कह रहे हैं कि अब वो लाइन जिसको आप बेस बना के इसको मिरर करना चाह रहे हैं तो मैं पहला पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और मैं दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ जैसे ही मैंने दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया सेम और सोर्स ऑब्जेक्ट मैं कहता हूँ अब आप यस करें अगर कि सोर्स ऑब्जेक्ट डिलीट कर दें तो वो पहला ऑब्जेक्ट आपका डिलीट हो जाएगा और आपकी नई रेक्टेंगल जो है वो ड्रा हो जाएगी तो इस तरह आप मिरर कमांड एम आई सिंपल एंटर करके तो हम अपनी किसी भी लाइन को बेस बनाकर ड्रा कर सकते हैं तो ये हमारी आगे काफ़ी जगहों पे बज दफ़ा हम प्लॉटिंग हाउसिंग स्कीम के अंदर अगर आपको कभी बनानी पड़ जाए लेआउट प्लान हम बना रहे हो हम कुछ घर बना रहे हैं इधर प्लॉट तो जरूरी नहीं कि हम उधर भी बनाएं हम सिंपल अगर मिरर कर दें तो खुद ब खुद दूसरी साइड पर तो अब आपने आगे जहाँ जहाँ आपके कोई ऐसी प्रोजेक्ट की नेचर आए कि आपको एक ही ऑब्जेक्ट किसी और साइड पर भी चाहिए उसी तरह का तो वो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे नहीं बल्कि उस ऑब्जेक्ट को हम इस साइड से लाइन को बेस बनाकर दूसरी साइड के ऊपर मिरर कमांड लगाएंगे तो खुद ब खुद सेम डिस्टेंस पे हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन जाएगा तो इस टॉपिक के अंदर हमने तीन चार बुनियादी जो है वो मॉडिफाई की कमांड इस्तेमाल की हैं हमने सिंपल कॉपी और यहाँ का सी ओ एक हमारे पास कंट्रोल सी और जो सी ओ ऑप्शन या मॉडिफाई में से डिफरेंस देखा बेस पॉइंट का फर्क था फिर हमने उसके साथ जो है एसोसिएटेड मूव की कमांड देखी हमने ऑब्जेक्ट को मूव किया तो वो ऑब्जेक्ट मूव हो गया लेकिन सोर्स में कोई ऑब्जेक्ट हमारा नहीं रहा फिर इसी के साथ हमने एसोसिएटेड जो मेन कमांड हमारी थी दैट वाज मिरर कमांड कि अगर हमने एक ऑब्जेक्ट को रेप्लीकेट करना है कि यही ऑब्जेक्ट किसी फासले के ऊपर दोबारा बन जाए तो हमने सिंपल एम कमांड भी लगा सकते हैं या हमारे पास दूसरा ऑप्शन मौजूद था कि हम उसको मॉडिफाई में से जाके पिक करें और वही ऑब्जेक्ट हमारा किसी भी फासले पर लग जाए होप कि इन जितनी हम कमांड्स अब आगे प्रोजेक्ट के करीब होते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं इन सारी कमांड्स का बेनिफिट भी हमें आगे जाके होगा और हमारा वक्त भी इसमें से सेव होगा